अगर हम आपसे कहें कि इस गोल्डन प्लास्टिक में लिपटे एक चॉकलेट का दाम 70 रुपए है, तो आप सभी मेरी तरह यही सोचेंगे कि भाई हमारे रॉकी भैया का सारा सोना इन्होंने अपने गोल्डन रैपर में ही डाल दिया क्या। क्योंकि जहां डेरी मिल्क किटकैट के 500 रुपए के पैक से सारा घर मोहल्ला चॉकलेट खा लेता है, वहीं उतने में ही इनका बस 6-7 पीस का बॉक्स आता है। तो वीडियो को एंड तक देखें, मार्केट का हाल बताते हैं। चॉकलेट जो कि कॉफी बीन्स के पाउडर और उससे निकलने वाली ऑयल बटर से मिलकर बनता है, इनके महंगे और सस्ते होने के पीछे का कारण कॉफी बीन्स की क्वालिटी और चॉकलेट में मिले इनके इंग्रेडिएंट्स है। जहां डेरी मिल्क किटकैट में कॉफी क्रीम मिल्क की क्वालिटी उतनी ज्यादा प्रीमियम नहीं होती, वहीं फेरेरो रोसार में हाईली रिफाइंड बीन्स मिल्क और क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसे खाने वाले को इसके टेस्ट में ही यह बात समझ में आ जाती है कि वह कुछ प्रीमियम खा रहा है। वहीं दूसरा, फेरेरो रोसार कंपनी का यह मानना है कि हम लोगों को कुछ प्रीमियम बेचते हैं जिसका दाम हम ज्यादा ही रखेंगे, जिससे कि हर कोई इसे 5-10 रुपए देकर ना खरीद पाए। इसे केवल रईस और बड़े लोग ही खरीद सके, जिससे कि इसका मार्केट में भौकाल बने रहे।